BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हसनैन अंसारी। आपको बता दें कि बच्चा चोरी की अफवाह में लगातार घटनाएं घट रही हैं। इधर गया में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दिया और इधर पटना में एक साधु को भी बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी गई। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में घटनाएं आए दिन घट रही हैं। गया में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया, वहीं राजधानी पटना में साधु की पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि शनिवार को बेगूसराय जिले में भीड़ ने विक्षिप्त महिला को बांधकर पीटा, जबकि शुक्रवार को कटिहार में लोगों ने दो की पिटाई कर दी। बता दें कि पिछले 3 महीने में ऐसी 45 घटनाएं घटी जिसमें 50 से अधिक लोग पीटे गए या उन्हें बंधक बना लिया गया। गया में जिले के फतेहपुर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। चिंताजनक हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने उसे पहचान कर युवती के परिजनों को सूचना दी। युवती फतेहपुर थाना क्षेत्र के चपरी गांव की रहने वाली बताई गई है। शनिवार रात युवती घर से निकल गई और भटक कर कोसमहार गांव पहुंच गई, जिसे बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया।